पुष्कर का आध्यात्म और सनातन संस्कृति विदेशों को हमेशा से आकर्षित करती रही है। यूं तो कई विदेशी पुष्कर आते रहे हैं, लेकिन आजकल पुष्कर मेले का आयोजन चल रहा है, जिसमें भारत के अलावा विदेशी लोग भी इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में विदेशी युवतियों ने पानी से भरा मटका सिर पर रखकर दौड़ लगाई तो हर कोई हैरत में पड़ गया। मटका दौड़ में विदेशी युवतियां भारतीयों पर भारी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया की तनीला को पहला स्थान मिला। साथ ही म्यूजिकल चेयर कॉम्पिटिशन में अजमेर की रहने वाली सुशीला चौधरी पहले स्थान पर रही। मटका दौड़ और म्यूजिकल चेयर कॉम्पिटिशन के साथ ही रविवार को मेला ग्राउंड पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुए। दौड़ में ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, न्यूयॉर्क, नेपाल और इंडियन समेत 20 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। दौड़ से पहले सभी विदेशी महिलाओं को बताया गया कि मटका सिर पर रखना है, साथ ही मटके में पानी भरा जाएगा। इसके बाद सभी मटकों को आधा पानी से भर दिया गया। कुछ देर बाद सभी को एक साथ खड़ा किया। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की तनीला फिनिश लाइन तक पहुंची, फिर अजमेर की रेखा और पुष्कर की तेजस्विनी गौतम पहुंच पाए। विजेताओं को मेला मजिस्ट्रेट सुखराम पिंदेल ने मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। तनीला ने कहा कि उन्हें मटका दौड़ में पार्टिसिपेट कर काफी अच्छा लगा, उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया और उन्हें खुद पर गर्व हो रहा है। साथ ही उन्होंने राजस्थानी कल्चर की भी तारीफ की। मटका दौड़ के बाद ग्राउंड में 12 बजे म्यूजिकल चेयर कॉम्पिटिशन हुआ। इसमें 28 महिलाओं ने भाग लिया। इसमें 5 विदेशी महिलाएं थी। 10 मिनट तक ग्राउंड में चली प्रतियोगिता में राजस्थानी गानों पर विदेशी और इंडियन महिलाओं ने भाग लिया। आखिर में प्रतियोगिता में अजमेर की रहने वाली सुशीला चौधरी ने पहला स्थान प्राप्त किया। सुशीला चौधरी ने कहा कि उन्होंने विदेशी महिलाओं के साथ भाग लिया और जीत हासिल कर राजस्थान का नाम रोशन किया है।